अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। हम नानी के घर से आ गए थे, घर का बुरा हाल हुआ हुआ था क्योंकि हम नानी के घर से 15 दिन के बाद आए थे। हर तरफ डस्ट ही डस्ट थी। आते साथ ही सबसे पहले तो मैंने कमरे साफ़ कर लिए थे, बेडशीट वगैरह चेंज कर लिए थे, झाड़ू लगा ली थी और टेबल से डस्ट वगैरह उतार लिए थे ताकि थोड़ा सा घर रहने के काबिल हो जाए। फिर अगले दिन सुबह नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो स्पाइसेस के बोतल वगैरह थे उसको खाली कर दिए थे। सारे मसालों को मैंने पेजेस पे निकाल दिया था। यहाँ पे मैं ये टोकरी ऊपर से उतार रही हूँ क्योंकि ऊपर से जाले उतारने हैं और किचन को सही साफ़ करके फिर इसको रीडेकोरेट करना है। सफाई करने के साथ मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी, वो भी साथ में इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे मैं किचन से सारे जाले उतार रही हूँ। सबसे पहले मैं शेल्फ़ को अच्छी तरह धो लूँगी। यहाँ पर टोकरी पड़ी हुई थी जिसमें बर्तन रखते हैं सुखाने के लिए, तो दोबारा टोकरी यहाँ पे रख दूँगी। सबसे पहले मैंने इस टोकरी को अच्छी तरह वॉश कर लिया था, उसके बाद बाकी बर्तन भी धो के इसमें सुखाने के लिए रख दूंगी। जैम की बोतल्स को मैंने अच्छी तरह धो लिया था लेकिन इससे ये स्टिकर्स नहीं उतर रहे थे, तो इसके लिए मैंने पानी को अच्छी तरह गर्म करके तो इसको 5-6 मिनट के लिए उसमें डिप कर दिया था। सारी बोतल्स को अच्छी तरह डिप कर लिया था तो फिर उससे ये स्टिकर्स आसानी से उतर गए थे और बाद में स्क्रबर से मैंने सही तरह साफ़ कर लिया था। उसके बाद बाकी शेल्फ को भी मैंने अच्छी तरह धो लिया। शेल्फ़ पे सर्फ डाल के तो इसको अच्छी तरह धो लिया था क्योंकि काफ़ी डस्ट थी और गंदगी थी, तो साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया। गांव जाने से पहले किचन को मैं अच्छी तरह साफ़ करके गई थी लेकिन हमारा किचन ओपन किचन है तो गेट से डायरेक्ट डस्ट वगैरह आती है, तो उसकी वजह से किचन काफ़ी गंदा हो गया था। अभी यहाँ पर मैं चूल्हे को साफ़ करने लगी हूँ, इसके बर्नर वगैरह उतारने लगी हूँ, चूल्हे पे गर्म पानी डाल के तो इसको साफ करने लगी हूँ। चूल्हा इतना ज़्यादा गंदा नहीं था लेकिन ऊपर से डस्ट जमी हुई थी तो उसको साफ करने लगी हूँ। हाँ, चूल्हे के नीचे गंदगी ज़्यादा थी। चूल्हे के नीचे काफ़ी गंदगी थी तो उसको सबसे पहले मैंने वाइपर से साफ़ कर लिया था, जो किचन का छोटा वाइपर होता है उससे साफ़ कर लिया था। उसके बाद उस पर गर्म पानी डाल के तो उस पर सर्फ डाल के धो लिया था।
पूरे किचन की क्लीनिंग करने में मुझे तकरीबन पूरा एक दिन लग गया था, और क्लीनिंग करते हुए मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। यहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था क्योंकि हमारा शेल्फ काफ़ी चौड़ा है, और तो फिर मैंने किचन के वाइपर की मदद से सारा साफ़ कर लिया था। बाकी तो मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन यहाँ सामने चूल्हा भी पड़ा हुआ था तो उसकी वजह से मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। शेल्फ की सफाई तो अच्छी तरह हो गई थी, अब सारी चीज़ों को वापस रीअरेंज करना है। नीचे जो पर्दे लगाए हुए थे तो इसको धोने के लिए हटा दिया था। एक न्यू स्पाइसेस रैक लिया हुआ था तो सोच रही थी कि इसको भी मैं यूज़ कर लूँ। ब्लू वाला मेरे पास पहले वाला है, और ये वाला इसको मैं सोच रही हूँ कि किस तरह लगाऊँ, क्योंकि टाइल्स में कील नहीं लगा सकते, जो टाइल्स के दरमियान जो गैप होता है तो उसमें मैंने पतला वाला कील लगा के उसको सेट कर लिया था। यहाँ पे मैं इस पे वज़न डाल के चेक कर रही थी कि ये गिरेगा तो नहीं। पेजेस पे मैंने मिसाले इसलिए डाले थे क्योंकि इससे मिसाले इधर उधर गिरते नहीं और आसानी से डिब्बे में डल जाते हैं, इससे काम करने में आसानी हो जाती है। सारी बॉटल्स को मैंने रिफ़िल कर दिया था। पहले जो मिसाले मैंने जेम के बॉटल्स में रखे थे उनको निकाल के तो मैंने इस न्यू वाले डब्बों में डाल दिए हैं। रमज़ान में कुछ ही दिन बाकी है तो उसी हिसाब से मैंने किचन की सारी सेटिंग कर ली थी ताकि बाद में काम करने में आसानी हो। कॉर्नर रैक को भी मैंने अच्छी तरह साफ करके सेट कर लिया था।
किचन अच्छी तरह साफ और सेट हो तो काम करने का भी दिल करता है, गंदे किचन में काम करने का दिल भी नहीं करता। यहाँ पे मुझसे पानी गिर गया था और ये छोटे से पॉट में मैंने फ्लावर्स लगा लिए थे। मुझे छोटे छोटे प्लांट्स किचन में बहुत पसंद है, लेकिन हमारे किचन में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती तो इस वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैं लगा लेती हूँ लेकिन कुछ ही दिन बाद वो ख़राब हो जाते हैं। ये एक बास्केट ली थी मैंने किचन के नाइफ और जो स्पून वगैरह होते हैं उसको रखने के लिए, तो अभी इसको भी मैं सेट करके एक साइड पे रख लूँगी। किचन को मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया था। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।